ठीक है है ना? And let's start talk. Thank you so much for joining us today. Our topic, as you know, Bollywood is on grill. We know what is going on in our India, in various platform, politics, religion, and now it insert in in Indian cinema too. And this is the baddest side. I mean, this is the worst sight of what is going on if we see the big picture of India. मैं ये नहीं कहूंगी कि it is because of this and that, but there is certain things happening which is not supposed to be. हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि politics जो है वो उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इटसेल्फ क्या है, वो चीज हमारे यहाँ एक वेरी बैडली शैटर्ड व्हाट इज डेमोक्रेसी, वो बिल्कुल बिखर के रह गई है. सो इफ वी सेज इंडियन डेमोक्रेसी द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, व्हाट इज फर्स्ट थिंग केम इन योर माइंड बोथ ऑफ यू? इधर वन कैन आंसर मी. सुशांत शुरू करें. जी मैंने, हाँ जी आप ब्रह्मानंद जी पहले आप कहें, मैं फिर कहूंगा. मैं तो वही पहले समझना चाहता हूं कि द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू सेड कि हो क्या रहा है जी, तो क्या हो रहा है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड ऑन ग्रिल जो हम बात कर रहे हैं. सो मैं पूछना चाहता हूं कि व्हाई इज बॉलीवुड ऑन ग्रिल, मतलब तो पहला क्वेश्चन मेरे से, मतलब पहला क्वेश्चन जवाब मैं देता हूं. हां हम काम करते हैं, हम इनकम टैक्स भरते हैं, हम औरों के तरह जिंदगी जीते हैं, यही है कि हमारे बारे में चार चीजें ज्यादा लिखी जाती है और इंडस्ट्री के बारे में कुछ कम लिखी जाती है, फर्क इतना ही है. जो भी चीज यहाँ हो रहा है या हुआ है, एक तो क्या हुआ है मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है, ठीक है. अगर चार लोगों ने ड्रग लिया है तो वो कौन से प्रोफेशन में लोग हैं जो ड्रग नहीं लेते हैं, ठीक है. मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि डज इट डिजर्व 70% ऑफ न्यूज आवर टेलीकास्ट ऑल द टाइम, मतलब डोंट वी हैव ग्रेटर प्रॉब्लम्स. जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है तो मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स. सो मैं आई लीव इट फॉर यू टू कनेक्ट द टू, सिंस यू सेड कि पॉलिटिक्स इज द रूट ऑफ एवरीथिंग या बेडरॉक ऑफ एवरीथिंग, तो आप बताएं कि हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो आप क्या जानना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में. ओके, सो आई थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाई आई पिक दैट टॉपिक. सो यू नो व्हाट एवर इज गोइंग ऑन ऑन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जस्ट लीव इट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत डिमाइज. व्हाट एवर इट इज, वेदर इट इज सुसाइड और मर्डर, just leave it to the CBI, just leave it to the police or things. Why is spread it all around the each and every life in India? क्यों ऐसा हुआ कि बॉलीवुड में इससे पहले मर्डर नहीं हुए, इससे पहले सुसाइड नहीं हुए? रिसेंटली वी हैव दिशा सालियान एंड जस्ट बिफोर फ्यू इयर्स बैक इफ वी सी खान, क्या नाम था उसका बच्ची का, जिया खान का हुआ, तब तो शोर नहीं हुआ. मेरे दिमाग में दो तीन पॉइंट्स जल्दी से आ रहे हैं एंड आई वांट टू मूव ऑन टू Shushant to address it. It's very clearly 70% news time channel devote is pe hona chahiye, aisa to mujhe kuch kahin dikhi nahi raha hai. Suicide hua hai, ho sakta hai kuch gadbad ho sakta hai na ho, hum aur aap isko decision karne wale koi nahi hote hain. Secondly, it is very clear jo bhi is khel ko samajhte hain wo samajhte hain ki how all this is to divert attention from the real issues. The real issues of the company of the country is of what the entire world is: corona, berozgari, very peculiar situations. Jahan sab kuch band hai, GDP niche ja raha hai, economy ka tahas nahas ho gaya hai, logon hazaron lakhon logon ke kaam chhoot rahe hain,
किसी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, तो वहां एक पैनल होना चाहिए जहां पे रोज डिस्कस होना चाहिए कि कैसे होप नैरेटिव हम दे सकते हैं लोगों को, कहां से कुछ उम्मीद की किरण आ रही है। यहां उल्टा हमने पकड़ लिया है सुशांत सिंह राजपूत, हम लेबल कर रहे हैं सबको ड्रगेस जंकीज, मतलब ऐसा ही लगता है न्यूज चैनल सुन करके कि बॉलीवुड एक किसी बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे एक कॉमन क्लब में रोज लोग मिलते हैं और एक दूसरे को ड्रग बांटते रहते हैं। सो दिस काइंड ऑफ ए थिंग हैज स्टॉप्ड एंड नाउ आई थिंक द लेटेस्ट मूव दैट हैज हैपेंड आई थिंक हैज वो होना ही था वेयर ऑल द फोर डोमिनेंट बॉडीज have come together and 34 production houses, all the prominent one, that yaar is tarah ki ye band karo, ye line after line, day after day, night after night, har line mein, aur kuch logon ne to apne sar pe utha liya hai ki main to prove karke hi chhodunga, aur ye sare ke sare ko field actors mein bolta hu, unko mauka nahi mila filmon mein dialogue baji bolne ka, dharmender ka jaise hota tha, kutte kamine mein tera khoon pi jaunga, to wahi dialogue ye ab apne channel khol karke aur raat us pe nikalte rehte hain. So I think that's how I see it, and let's hear from Sushant how he responds to the whole thing. दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है पर बड़ा सिंपल भी है. एक मैं कोई फिल्म कर रहा था बहुत पहले, तो उसमें एक डायलॉग था कि अगर हीरो बनना है तो आप किसी बड़े हीरो को मार दो आप हीरो बन जाओगे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. और वो सत्य है, वो सत्य है. तो न्यूज, मैं इनको न्यूज चैनल भी नहीं कहूंगा, ये चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं जो सब कर रहे हैं. लड़ाई है टीआरपी की, होड़ है कि भाई सबसे ज्यादा अटेंशन किसको कैसे मिले, कैसे मिलेगी. आप किसी बड़े हीरो को मारेंगे तभी तो अटेंशन मिलेगी आपको. और ये आज का खेल नहीं है, ये बड़ा पुराना खेल है. जब इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा था, बॉम्बे में होने वाला था, तो क्रिकेट की पिच खोद दी गई. अब क्या क्रिकेट टीम सरकार चला रही है दोनों तरफ की? नहीं, दोनों तरफ की सरकारों ने वीजा दिया, क्रिकेट टीम्स आई और खेलेंगी, आपने पिच खोद दी. लेकिन चूंकि वो फेमस है, उनके बारे में लिखा जाता है, तो आप उनके अगेंस्ट कुछ करेंगे तब तो आप फोकस में आएंगे. तो पिच खोद दी गई, आपकी पार्टी का नाम हो गया. वही अब भी हो रहा है. अब इसमें एक और चीज जो मिक्स हो गई है वो ये कि ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपने कहा, डिस्ट्रक्शन के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी है. डिस्ट्रैक्शन भी है जी. तो इसका फायदा उठा रहे हैं जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, राइट विंग के लोग हैं. और ये पिछले 6-8-10 सालों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के टाइम में हो रहा है, कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है. जब भी कुछ टेंशन होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, या जब भी कोई कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, या सबसे पहली गुजारिश या डिमांड ये होती है कि बॉलीवुड पाकिस्तान के साथ काम करना बंद कर दे, इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेले. सबसे पहली डिमांड ये होती है क्योंकि ये फेमस लोग हैं. तो आप ऐसे स्टेटमेंट देने से आप न्यूज में आएंगे. आज तक ये डिमांड कभी नहीं हुई कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो बंद कर दिया जाए, वो बंद कर दिया जाए. ये आज तक नहीं हुई. मैंने कई बार सवाल उठाया कि भैया MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान को कई सालों से मुहैया है, और आपने बालाकोट स्ट्राइक कर ली, उरी कर लिया, सब कर लिया, बॉलीवुड पे पूरा दबाव बना दिया कि भैया आप अपने रिलेशन खत्म कर लें. सरकार ने क्या वीजा देने बंद किए? नहीं किए. क्या बिजनेस बंद किया? नहीं किया. तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है. हम सॉफ्ट टारगेट हैं क्योंकि हमारे बारे में ज्यादा लिखा जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. और अब ये इसका विभत्स रूप हो गया इस समय, क्योंकि देश में समस्याएं बहुत सारी हैं. तो इनसे ध्यान हटाने के लिए आप जो है SSR चिल्लाते रहे, बार्क करते रहे, BARC रेटिंग्स मैनिपुलेट करते रहे, तो आपके चैनल को भी फायदा है, आपकी TRP बढ़ेगी. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे टेलीविजन में डेली सोप्स इतने अच्छे बन नहीं रहे आजकल.
नहीं, उनकी टीआरपी कम हो रही है, तो वो उस वैक्यूम को किसी को तो भरना था, तो वो इन्होंने भर दिया, डेली सोप्स की जगह इन्होंने ले ली, तो अब टीआरपी इन्हें चाहिए, इनका फायदा हो रहा है टीआरपी से, पैसे मिल रहे हैं, सरकार का फायदा इससे हो रहा है कि भैया लोग इसमें मस्त हैं, तो हम वो अपना ट्रस्ट को ना भूल जाएंगे, गवर्नमेंट से सवाल और कुछ भी नहीं। बाकी बॉलीवुड की जहां तक बात है, वो इतना ही बुरा या अच्छा है जितना कि देश या दुनिया की कोई भी और संस्था, कोई भी संस्था, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लोग ड्रग्स लेते हैं, जी लेते हैं, क्या लोग टी टोटलर हैं? बिल्कुल है, जो चाय भी नहीं पीते हैं। क्या लोग प्योर वेजिटेरियन हैं? जी वो भी हैं। क्या कट्टर हिंदू हैं? वो भी हैं। कट्टर मुसलमान हैं? वो भी हैं। तो जैसा पूरा निजाम है वैसा ही हमारा भी है, और कुछ भी नहीं है। बल्कि हाँ, ज्यादा सेक्युलर हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं अपनी बात आपको कह रहा हूं कि जब ईद आती थी तो मुझे अपने फोन पर सर्च करना पड़ता था नाम के हिसाब से कि मेरे मुसलमान दोस्त कौन कौन से हैं जिनको मैं विश करूं, क्योंकि जब आप शूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं साथ में, तो किसी का नाम कुछ भी हो, शाहरुख खान है तो वो शाहरुख खान मुझे मुसलमान महसूस नहीं होता है, या मुझसे अलग है, या सलमान खान है तो सलमान खान मुसलमान है, नहीं महसूस होता है। एंड नेपोटिज्म और ये सब 50 बातें हूँ SSR को केस को लेकर के। कहीं मैंने और पढ़ा था कि भाई सबसे डेमोक्रेटिक एक्चुअली अगर देखें तो हमारी इंडस्ट्री ही है, क्योंकि आप भले ही नेपोटिज्म तो हर फील्ड में है, हर फील्ड में। भाई मैं आज कह रही हूं। आज मैं पिता हूं, अगर कल को मेरे बच्चे इस फील्ड में आना चाहेंगे तो मैं पूरा जोर लगा दूंगा कि मेरे वश में जो कुछ भी है मैं उनके लिए करूं, वो मेरा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। अगर आप पीछे मुड़के देखें तो धर्मेंद्र जी ने, मगर वो सबने अपने बच्चों को किया। हाँ, मगर वही है रजिया जी कि ये मगर चलेंगे अपने बूते पे, वो आप उनको पुश जरूर कर दे सकते हैं। एक से एक एग्जाम्पल्स कौन देता है? हाँ, एक से एक एग्जाम्पल्स है कि कोशिश जरूर करा माँ ने, बाप ने, चाचा ने, भतीजे ने, मौसे ने, मगर वो चल नहीं पाए क्योंकि उनमें मेरिट नहीं थी, और कुछ ऐसे थे जो बाप से दो कदम आगे निकल गए। अगर आप राजेंद्र कुमार जी और कुमार गौरव को देखें, बिल्कुल, तो राजेंद्र कुमार गौरव सो ब्यूटीफुल पर्सन। उसी समय में दोनों ने डेब्यू किया था, संजय दत्त ने और कुमार गौरव ने, ठीक है। दोनों ही, राजेंद्र कुमार जी और सुनील दत्त जी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे उस समय में, उन्होंने अपने बच्चे को लॉन्च किया। संजय दत्त ऊपर नीचे करते 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 करते, मगर फिर भी चलते रहा। कुमार गौरव ने एक दो ढाई तीन फिल्में की और उसके बाद जो लोग नाम भी नहीं जानते, आज भी राजेंद्र कुमार के गाने सुने जाते हैं, करेक्ट करेक्ट, आपको तो लोग जानते भी नहीं है आज। तो ये तो किसी भी फील्ड में है, और इस फील्ड में भी कोई आपको कंटिन्यूअसली रख नहीं सकता है। आज रोहन गावस्कर सुनील गावस्कर का बेटा है, खेलना जरूर उन्होंने उसको सिखाया होगा, पुश किया होगा, 10 सीखें दी होगी, मगर क्या कर नहीं पाया, तो कर नहीं पाया, कुछ नहीं कर सकते। Absolutely. So let's say इसका उलट। जी, go ahead. इसका उलट, अगर हम बात कर रहे हैं नेपोटिज्म या घिनौनेपन की या फेवरेटिज्म की या भाई भतीजावाद की, तो आई थिंक सबसे ज्यादा घिनौनापन तो राजनीति में है। सबसे वो नेता चाहे कुछ करे या ना करे, चूंकि उसका बेटा भी खड़ा हुआ है चुनाव में, उसको वोट दिया जाता है। बिल्कुल। और जात के नाम पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, मतलब वहां तो डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। वहां जात पात धर्म फेवरेटिज्म सब कुछ है। हमारे फील्ड में पूरी डेमोक्रेसी है, ऑडियंस ऑनेस्ट वोट देती है कि भाई ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, और वही चलता है। वो चाहे एक्टर हो या ना हो, सलमान खान ग्रेट एक्टर नहीं है जी, है ना, लेकिन उनमें एक अदा है, अदायगी है जो लोगों को पसंद आती है, तो वो चल रहे हैं। हाँ, इरफान खान नहीं चल रहे थे, लेकिन ग्रेट एक्टर है, पसंद आया, वो चले। तो पूरी डेमोक्रेसी है यहाँ पर। डेमोक्रेसी अगर कहीं नहीं है तो वो राजनीति में है। बस यहाँ पर मैं कहीं पढ़ रहा था, बदल लेंगे विचारधारा भी बदल लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी वो महाराज रहेंगे। उतनी नहीं, मैं कोई यादव है तो उसे वोट पड़ता रहेगा,
मैं कहीं पढ़ रहा था सुशांत भाई कि 32% जो पॉलिटिशियंस हैं, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस, दे हैव सम काइंड ऑफ अ क्रिमिनल रिकॉर्ड अगेंस्ट देम, एंड सम 25% ऑफ देम हैव रिकॉर्ड्स ऑफ ईदर रेप और मर्डर और समथिंग और द अदर. जी, वो तो क्वालिफिकेशन है ना हमारे यहाँ, क्वालिफिकेशन. तो पॉलिटिक्स को तो कोई छू नहीं रहा है. नेपोटिज्म, किस चीज की हम नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, जो जिस समय में जिसको लेकर के ये चीज बाहर आई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन नेपोटिज्म. ही वाज अ कंप्लीट आउटसाइडर, रैंक आउटसाइडर हु कम्स. ओके, पंकज तिवारी या मनोज बाजपाई, सुशांत, हजारों लोग हैं, बहुत लोग जो आए. एंड सुशांत सिंह राजपूत इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन नेपोटिज्म. कोई नेपोटिज्म नहीं था उसके साथ. अब कुछ फिल्में आई और कुछ फिल्में छूट गई बिकॉज ऑफ इनर पॉलिटिक्स. यार वो तो किसी भी फील्ड में होता है, बिजनेस चले जाते हैं लोगों के हाथ से कॉर्पोरेट्स में. तो वो तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म. एक चीज है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं सिंपली, आई एम सॉरी आपको कट हो रहा है, मगर कुछ लोग हैं जो ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि आज हमारे यहाँ जितने भी टाटा बिरला, राम प्रेम जी और अंबानी और दिशानी जितने भी हैं, इन लोगों ने जो कुछ कमाया है वो कि गरीबों में बांट जाएंगे, ये अपने अपने बच्चों को नहीं देंगे, अपने ही बच्चों को देके जाएंगे ना. तो अगर बॉलीवुड में यानी कोई भी किसी भी फील्ड में अगर लेसे किसी के कपड़े की शॉप है तो वो अपने बेटे को ही बिठाएगा ना वहां पर, किसी पड़ोसी को तो नहीं देगा कि भाई तू बैठ जा, मेरा बेटा नहीं चल रहा है. नहीं ठीक है, वो बात अलग हो जाती है थोड़ी. तो इसको नहीं नेपोटिज्म कह सकते. जो मैं खिलाफ हूँ वो है ये जो लॉबिंग होती है विच इज हार्मफुल मोर देन द नेपोटिज्म. वही चीज है कि लॉबिंग इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन एवरी सिंगल फील्ड. आप कोई भी 15 फील्ड ले लेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉबी क्या होता है. मैं let's address it very frankly. लॉबी क्या होता है, मतलब 200 बड़े लोग हैं अगर फिल्म इंडस्ट्री में तो सबका सबसे नहीं जमता है बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल रीजंस, हैविंग ग्रोन अप टुगेदर, अ सेट ऑफ थिंकिंग वेज, जिस तरह से लोग हंसते हैं, खेलते हैं, साथ रहते हैं, किसी का किसी से ज्यादा होता है, किसी का किसी से कम होता है. ये तो कोई नई बात नहीं है. हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में आपके कुछ दोस्त होंगे. आपके इंडियन फ्रेटर्निटी जो है वहां पे, तो वहां पे आपके 15 बहुत अच्छे दोस्त होंगे और 15 ऐसे लोग होंगे जिनसे आप कटे रहते होंगे कि यार कौन कौन जाएगा, छोड़ो. हाँ, तो अब ये बात हो जाती है कि अब ये लॉबी बन जाता है. तो अब जिसके साथ आप ज्यादा घुलते मिलते हैं उनको लेके एक लॉबी बोल सकते हैं, तो ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं उसमें. बुराई क्या है, मतलब आज वो जाकर के किसी को जाकर के मर्डर तो नहीं करते हैं, किसी 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 को जाकर के कुछ छीनते तो नहीं है. अगर प्रोजेक्ट्स कभी किसी के हाथ से निकल जाता है, नहीं निकलता है, वो दोज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स है. मतलब जब किशोर कुमार और आशा भोसले ने शुरू में एक किसी गाने से उनको निकाला गया था, ठीक है, तो उनको निकाला गया था एक, एक 10 बजे रात से महबूब स्टूडियो में या कहीं पे उनका उनकी रिकॉर्डिंग होने को थी. 12:30 बजे उनका टाइम आया, एक मुखड़ा और अंतरा रिकॉर्ड करके और उनको बोल दिया गया कि तुम्हारे से नहीं हो रहा है, निकल जाओ. ठीक है, आप निकाल रहे हैं हमें गाने से, हाँ तुम्हारे से हो नहीं रहा है, और उन म्यूजिक डायरेक्टर को बताया गया कि आप किसी ढंग के गवैये को लाओ. ये लोग डिप्रेशन में चले गए. अब अगर आप उसको ले लें तो आप यही कहेंगे कि भैया ये लॉबी था, निकाल दिया गया. मगर ये तो हर किसी के साथ, बड़े से बड़े लोगों के साथ हुआ है. हाँ, और कोई बिजनेस चला जाता है हाथ से, कोई डील निकल जाती है, तो क्या कहेंगे उसको, लॉबी कहेंगे? अगर है लॉबी तो है. हाँ, तो हर जगह है, तो इसके लिए ना तो कोई जान देता है ना लेता है.
ले ले लेकिन इसके नहीं है नहीं इसके लिए इतना हंगामा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ये ये हंगामा इसलिए होता है क्योंकि जैसे सुशांत ने कहा टीआरपी का खेल है, टीआरपी से उनको फायदा होता है, उनको एड्स मिलते हैं, अटेंशन डाइवर्ट होता है। बस दो मकसद है, एक है बिजनेस आईबॉल्स एड्स, ये एक पहलू हुआ। दूसरा है कि गवर्नमेंट को फायदा है क्योंकि जो हम जीडीपी की बात करेंगे, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे, वो नहीं सब लगे हुए हैं, मर्डर नेपोटिज्म ड्रग ये वो, और सब के सब अपने ही जज बन के बैठ गए हैं। सीबीआई जब निकालेगा, पोस्टमार्टम दो दो बार रिपोर्ट आया, अब सही है नहीं है, मगर हमें तो मानना पड़ेगा right. हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर दो दो बार एक ही रिपोर्ट आया है तो भी ये एक एक चैनल है खास करके जो लगा हुआ है कि मैं तो प्रूव करके ही छोड़ूंगा, प्रूव करके ही रहूंगा। हाँ तो सुशांत दो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज हुई इन पूरी, मतलब ठीक है पॉलिटिक्स और जो हमारी टीआरपी का खेल चल रहा है वो तो अभी चेंज हो, मतलब चीजें सॉर्टेड आउट हो रही हैं और वी आर सीइंग के जो सिनेरियो था वो चेंज हो रहा है, लेकिन इन दोनों इस पूरी अगर हम पिछले 4 महीने को देखें तो इसमें दो बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें हुई। एक तो घर का भेदी लंका ढाए वाली बात के क्या है वो कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, कंगना रनावत, एंड अदर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा और एक मोस्ट सीनियर एक्ट्रेस ने जया जी ने पार्लियामेंट में खड़े होके वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन शी ओन्ड एट देयर, ये दो जो कंट्रोवर्सीज थी व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैं तो ये कहूंगा कि कंट्रोवर्सीज तो बनाने से बनती है ना जी। तो कंगना का मुंह खुला हुआ है तो बोलती है, वो शुरू से ही बोलती है, कुछ ना कुछ बोलती है, उसका एक पर्सनालिटी है जो बोलती है। तो कंगना जब बोलती है तो उसको जब न्यूज चैनल वाले ने लैपअप किया और उसको उसमें आग लगाया तो वो सनसनीखेज हो गया। अब ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो भी बेकार की बातों में फंस गए, मतलब उनको वो जो मकान तोड़ा उसका ऑफिस तोड़ा वो सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब कंप्लीटली अननेसेसरी प्रोवोकेशन, कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मतलब यहाँ तो गिव एंड टेक चल रहा है ना। तो नहीं, मगर गिव एंड टेक को आप टेक करते हैं तब गिव होता है ना, आप अगर इग्नोर करते रहेंगे या आप एक स्टैंड लो, आप तूतू में मत पड़ो ना। तो वो आई थिंक इट्स वेरी इमेच्योर, जिस तरह के कमेंट संजय रावत पास करते हैं वो उसको फायदा, कंगना को फायदा हो जाता है उससे और खुद दे बिकम लाफिंग स्टॉक। तो वो तो आई डोंट थिंक दे हैव बीन टॉट, इवन द पॉलिटिशियंस हैव नेवर बीन टॉट हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन व्हिच इज अगेंस्ट देम, एंड वो जो एक डिग्निटी होता है वो कहीं दिखता नहीं है तो वो और बात का बतंगड़ बन जाता है। एंड ये कोई तरीका है बात करने का, उद्धव तो उद्धव देख लूंगा तुम्हें आकर के, वो न्यूज चैनल वाले भी सबको बोलते रहते हैं सलमान कहाँ हो आ जाओ, कायरों के तरह छुपे हुए आ जाओ देख लूंगा तुम्हें, ये डायलॉग तो धर्मेंद्र के लिए होता था विलन के लिए, ये कहाँ से न्यूज चैनल वाले इस तरह के डायलॉग्स बात करने लगे। दिस इज एग्जैक्टली वॉट 20 years back used to be known as yellow journalism. Yeah, yeah. Yellow journalism और कुछ नहीं है कि बिना प्रूफ के आप लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हो, उसके खिलाफ अफवाहें फैला रहे हो, कहीं कहीं कोई नामो निशान, आप किसके अगेंस्ट ड्रग प्रूफ कर रहे हो, ड्रगी जंकी ड्रगी, ऐसा लगता है कि हर कोई फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग लिए बिना तो बस ना उठता है ना जगता है। तो व्हाट्स योर टेक सुशांत? जी अभी बात करते करते सुनते सुनते थोड़ा सा ध्यान है, शायद एंडी वॉरहोल ने कहा था बहुत पहले 15 minutes, yes. In future, everybody will have their 15 minutes of fame. Yes. और अगर तह में जाकर देखें तो ये और कुछ भी नहीं है, बस उसकी लड़ाई है।
और चूंकि नाउ एवरीबॉडी इज गेटिंग देयर 15 मिनट्स और छोड़िए 15 सेकंड्स ऑफ फेम, तो हर 15 सेकंड्स में यू हैव टू क्रिएट समथिंग सो दैट योर फेम रिमेन्स देयर, वो चाहे सरकार हो, चाहे ये न्यूज चैनल्स, न्यूज भी ये चैनल्स वाले हो, एंटरटेनमेंट चैनल्स वाले, दे आर नॉट न्यूज चैनल्स, दे आर एंटरटेनमेंट चैनल्स वाले, इन्हें हर 15 सेकंड में अटेंशन चाहिए और सरकार को हर 15 सेकंड में अटेंशन डाइवर्ट करनी है, डाइवर्ट करना है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी जो कुछ भी एलिगेशंस वगैरह वगैरह वगैरह, देखिए पावर का गेम है, स्टेटस का गेम है, पूरी दुनिया में बरसों से सदियों से चल रहा है। जिसके पास पावर और स्टेटस है वो नहीं छोड़ना चाहता है उसको, क्योंकि वो एक लत है, एक बड़ा अच्छा नशा है, बहुत अच्छा नशा, उसके लिए वो कुछ भी करता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कॉर्पोरेट वाला हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री वाला हो, चाहे न्यूज वाला हो, वो कुछ भी करता है उसके लिए, सारे नियम तोड़ता है, नैतिकता वगैरह कुछ नहीं है। तो 15 सेकंड का अब वो सब घूम फिर करके आ गया है 15 सेकंड पर, उसके लिए क्या हुआ है कि सब्सटेंस खो गया है। अब सबको 15 सेकंड चाहिए, तो सब्सटेंस की तलाश किसी को नहीं है। 15 सेकंड में आप किसको डिफेम कर सकते हैं, किसको फेम कर सकते हैं, सिर्फ उतना गेम है जी, और कुछ भी नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसमें हम सब मोरे हैं, क्योंकि वी आर लूजिंग एथिक्स एंड वैल्यूज व्हिच वी स्टैंड फॉर, मतलब सालों की सभ्यता 15 सेकंड में खत्म कैसे हो सकती है। नहीं, और रजिया जी, एक तो इसको हम ना इंडिया सेंट्रिक भी ना बनाएं, क्योंकि क्या है, चूंकि आप इंडियन हैं, इंडियन ओरिजिन है, भले ही अमेरिका में रहती हैं और हम तो इंडियन हैं ही, तो हमें लगता है सिर्फ यही हो रहा है, ये दुनिया भर में हो रहा है। आप अमेरिका को देख लें, वहां भी ये हो रहा है, बस नक्शा कदम वही है। और आप फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट वगैरह की बातें करते हैं कि भाई अमेरिका में जो आप एक फिल्म ऐसी भी रिलीज कर सकते हैं जहां पर के आप सीधे सीधे प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको बेवकूफ बता रहे हैं, वो भी रिलीज हो सकती है। आप वॉर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आमने सामने वो सब हो रहा है। लेकिन आज उस अमेरिका की क्या हालत है वो हम देख रहे हैं। तो ये रिसर्जेंस ऑफ द राइट विंग एक साइक्लिकल थिंग है जो पहले भी हुआ है और अब हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब शायद बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। वो साइक्लिकल चीज है और उससे हम ना, हम और हम रिफ्लेक्शन, चूंकि बड़ी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, इसलिए ज्यादा खबरों में है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हम बहुत बड़ा एग्जांपल हुआ करते थे, जो अब पूरी तरह से एक फासिस्ट रेजिम में तब्दील हो चुका है, तो ज्यादा सुर्खियों में। वरना अगर आप गौर करें पूरी दुनिया में यही हो रहा है, बड़े बड़े देशों में, लेकिन सब जगह सी, हम तो जिस एरिया में रहते हैं या जो जिस कंट्री से या जिस सॉवरेंटी से हम बिलीव रिलेट करते हैं, पैदा हुए हैं, पले बड़े, तो हमारा ज्यादा तक फोकस उसी पे रहता है। हमारे यहाँ तो हम कुछ भी कह दें, किसी को भी गाली दे दें, बक दें, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। वहां तो जेल और यू नो थिंग्स लाइक दैट हो रही हैं। यहाँ ये नहीं हो सकता कि कंगना आनकर किसी को कोई इस तरह की बात करें जो शी सेड ओपनली, और देन उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे, वाई सिक्योरिटी मिले उसको, ये यहाँ नहीं हो सकता। आप चिंता ना करें, अभी इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में, अगर ट्रंप नेता जीत गए तो आपके यहाँ भी यही होने वाला है, चिंता ना करें आप। मतलब ये तो है, मतलब जो सिनेरियो चेंज हुआ है पूरा पॉलिटिकली, वो इज नॉट दैट गुड, जी बहुत बुरा है। हम लोग जो वैल्यूज अपनी खो रहे हैं, जो अपने जो इथिक्स थे हमारे वो खो रहे हैं, क्या टेक होगा आप लोगों का इस पर? मैं इस पर मैं थोड़ा सा बोलूंगा और उसके बाद विदा लूंगा जी। एक गलतफहमी जो हम हिंदुस्तानियों को अपने दिल से निकालनी होगी कि ये सब पिछले 6 सालों में हुआ है। नहीं, पिछले 6 सालों में इसे हवा मिली है। हम ऐसे ही थे जी, पहले कानून का डर था,
कांग्रेस का मैं कोई समर्थक नहीं हूँ, बिल्कुल मतलब करप्शन तो हमेशा से रहा है, चाहे कांग्रेस आई चाहे कोई और सरकार आई, तो मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं रहा हूँ, वोट भी नहीं देता था जी मैं, क्योंकि मुझे लगता था सारे ही चोर हैं। लेकिन कुछ 2013 के आसपास मुझे एहसास हुआ कि मुझ जैसे बेवकूफों की वजह से गलत लोग चुने जाते हैं क्योंकि हम वोट नहीं देते हैं, तब जाकर मैंने वोट देना शुरू किया। तो मैं इतना जिम्मेदार नागरिक भी नहीं हूँ जितना आज लगता हूँ। लेकिन हाँ, 6 साल पहले तक सरकारें जो भी थी, कानून का डर था कि अगर दलित को मारेंगे या कुछ कहेंगे तो कानून के तहत एक्शन हो सकता है, रेप करेंगे किसी का, मर्डर करेंगे, एक्शन हो सकता है, धर्म के नाम पर कुछ कहेंगे, एक्शन हो सकता है। पिछले 6 सालों में ये डर खत्म हो गया, तो अब ये सब कुछ खुलेआम होने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सर्टेन कम्युनिटीज पर डाल दिया गया है, कुछ कम्युनिटीज हैं जो फ्री हैं इससे। व्हाट डू यू थिंक? जी, मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी है, अपर कास्ट, अगर आप दलित की बात करें तो अपर कास्ट, अगर आप धर्म की बात करें तो नॉन मुस्लिम्स या हिंदू, ठीक है ना, तो वो डर खत्म हो गया। हिंदूज, तो हिंदूज क्योंकि वो एजेंडा बहुत क्लियर है, मतलब सारे जो 25 स्टेप्स लिए गए हैं वो क्लियर है एजेंडा। और उसमें भी ये नहीं कि मतलब देखिए 130 करोड़ हमारी आबादी है, तो ऐसा तो है नहीं कि 130 करोड़ में अगर 100 करोड़ हिंदू हैं या 80 करोड़ हिंदू हैं तो सारे के सारे ऐसे ही हैं, वो भी नहीं है। लेकिन खबरों में जो आते हैं वो वही आते हैं जो वैसे हैं। तो 80 करोड़ ही डर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, असलियत बाहर आ गई। हम बिगोटेड थे, हिंदू मुस्लिम टेंशन 1857 में भी थी, बहादुर शाह जफर के यहाँ पर जब सैनिक आए थे मेरठ से भाग करके, तब भी हिंदू मुस्लिम विवाद हुए थे, लेकिन चूंकि दुश्मन एक था तो ये एक हो गए थे। होते 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 फिर जम्मू में मैसेकर हुआ, आरएसएस और डोगरा सेना ने कितने मुसलमानों को मारा, सब होता रहा है, लेकिन फिर भी कानून था, कानून का डर था, वो भय खत्म हो गया, असलियत बाहर आ गई है। हम रेसिस्ट हैं, हम कम्युनल हैं, आप कितनी दुहाई दें, 5,000 साल पुरानी संस्कृति की, सभ्यता की, वो कहीं खो चुकी है। अपर कास्ट, ब्राह्मणिज्म, पेट्रियार्की, फीमेल फिटिसाइड, सब कुछ है जी हमारे यहाँ, दहेज के लिए जलना सब कुछ है, हम कोई महान सभ्यता नहीं रहे। अब वो सिर्फ बाहर आ गया है खुल करके, क्योंकि कानून का डर नहीं रहा है। तो ये जो मेरा टेक सिर्फ ये है, इसमें बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म में इसका क्या? जी यहाँ भी डिवीजन हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, बहुत बहुत क्लियर है, और अच्छा ही है एक तरह से मेरे ख्याल से, क्योंकि जो बातें आप मन में दबाए रहते हैं वो फिर मानसिक बीमारी बन जाती है ना। तो ये जो बातें, ये नेपोटिज्म कहिए या बिगोट्री कहिए, कम्युनलिज्म कहिए, रेसिज्म कहिए, जो कहीं दबा हुआ था सिर्फ कानून के डर से, इसलिए नहीं कि सभ्यता थी, इसलिए नहीं कि हम अच्छे लोग थे, डर के मारे अच्छे लोग थे, वो डर खत्म हो गया, हमारी विभत्स परिस्थिति बाहर आ गई, इसको बाहर आने दें, क्योंकि इतना बुरा समाज है, माफ कीजिएगा, रोज जिस तरह की खबरें सुनते हैं, निकल जाए तो ये पूरा, ये पूरा जब तक खत्म ना हो, ये जब तक अपनी भयावहता से खुद परेशान होकर के त्रस्त हो, जैसे अशोक, सम्राट अशोक ने जब इतने लोग मार दिए थे कि वो खून से उसे घृणा हो गई थी, तब उसने बुद्धिज्म अपनाया था। इस समाज का वही होना है, जब तक इसे घृणा नहीं हो जाएगी अपने ख्यालों से, तब तक कुछ होगा नहीं। देख रहे हैं कि कुछ लोग अब रिवर्ट कर रहे हैं कि वो थक गए हैं, अब के यार बस बहुत हो गया, क्योंकि दो साल ढाई साल पहले जब आमिर खान ने कहा था कि मेरी बीवी को लगता है किरण को कि हमें इंडिया में नहीं रहना चाहिए, तो उस वक्त बहुत शोर हुआ था कि वी आर वेरी टॉलरेटेड पीपल, दिस एंड देन, एंड लाओ दिखा दो इन मुसलमानों को कि हम कितने टॉलरेटेड हैं, एंड देन एंड विद इन 2 इयर्स कोई टॉलरेटेड, हम तो इतने टॉलरेंट हैं कि अभी हाल ही में धोनी की बच्ची को रेप की धमकियां दी गई जी जी
ये हमारी, ये हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति है, संस्कृति है, तो इसको खत्म होना चाहिए, इसको खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि वो संस्कृति भ्रष्ट होकर के आज बहुत बहुत विभत्स बन चुकी है। ये खत्म हो, लोग तंग आ जाएं इससे, और फिर राख से खुद उठ करके खड़े हो, तब जा करके हम शायद एक सभ्यता बन पाएंगे। सही बात है, सही बात है, क्योंकि आई मीन इतना खींच जाती है बात, अगर हम सिर्फ एसएसआर की बात करें, सुशांत सिंह की, राजपूत के, वहीं से बात शुरू हुई, सारा हंगामा ही वहीं से शुरू हुआ। अगर हम सिर्फ उसी की बात करें तो सी के राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, फिर देन दिशा सालियान, और फिर देन कंगना रनौत, फिर देन ड्रग्स, फिर रिया, फिर वर्न, फिर सलमान खान, फिर करण जौहर, फिर शाहरुख खान, खींच के आपने उसको क्या से क्या बना दिया यार, छोटी सी चीज थी। और कहां हम सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन से शुरू हुए कि ये मर्डर है या सुसाइड है, वहां से और अब तो बाकी सब कुछ हो रहा है, और जिसको भी मौका लग रहा है वो एक कुछ कमेंट अपना लेकर के, और ये जो न्यूज चैनल्स पे जो होते रहते हैं, बॉलीवुड एंड ग्रिल, जहां से आपको ये आइडिया आया, वहां से मुझे यही लगता है कि जो भी अपोजिंग थॉट रहता है, जो एक एंकर का रहता है, वो उनको तो इतना ह्यूमिलिएट किया जाता है कि मुझे ताजुब लगती है कि वो आते कैसे हैं। वो सुशांत ने जो कहा 15 मिनट्स ऑफ फेम, 15 सेकंड्स ऑफ फेम, शायद इसीलिए आते हैं, ह्यूमिलिएट होते रहते हैं और फिर भी वो आते रहते हैं न्यूज चैनल पे। कोई किसी को बोलने का मतलब सुशांत, मुझे अरसों हो गया कि मैंने कहीं पे न्यूज चैनल पे वो डिबेट लिखा होता है, कहीं सचमुच का डिबेट देखा हो, कहीं कोई डिबेट नहीं होता, कोई डिबेट नहीं होता, ना ना इनसाइट, ना अंडरस्टैंडिंग, ना विट, ना ह्यूमर, जो एक हम पले बड़े डिबेट के मायने होते थे कुछ, कि आप सेंस निकालो, यहाँ पे कौन कितना चिल्ला सकता है, कहीं हंसी मजाक, ह्यूमर, इनसाइट कुछ नहीं होता है, कौन कितना चिल्ला सकता है, इस पे सब कुछ डिपेंडेंट है। अच्छा, ये टाइम खत्म हो रहा है इसका, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ ताकि हम लोग एंड कर दें इसको फिर। Okay. जी अभी एंड कर दें। आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, आपको जाना है क्योंकि let's see what happens. History has taught us a lot and we have not learnt anything. So take care.